इस वीडियो में आज मैं आप लोग को कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिस टिप्स को जानने के बाद आप लोग भाई मिनी मिलिशिया के अंदर परफेक्ट तरीके से रश करना सीख जाओगे, और कुछ ऐसी गलतियां भी बताऊंगा जिस गलतियों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आप में से बहुत सारे बंदे करते हो, जिसकी वजह से आप जब भी रश करने जाते हो आप किल हो जाते हो। तो भाई यार वीडियो को एंड तक देखना, बीच में स्किप करके नहीं जाना, नहीं तो आप कंफ्यूज रह जाओगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले मिस्टेक की। देखो यार हमेशा बंदे यार रश करने से पहले अपने गन्स को चेक नहीं करते हैं। जब भी वो रश करने जाते हैं कभी उनके गन्स में बुलेट नहीं होती है, या फिर भाई अचानक से उनका गन रिलोड पे अटक जाता है। अगर आप भी ये गलती करते हो तो आपको ये गलती कभी नहीं करना है, हमेशा भाई गन को चेक कर लेना है, फिर उसके बाद ही आपको भाई रश करना है। सेकंड भाई बंदे गलती यहाँ पे ये करते हैं, नेट रखे होते हैं लेकिन नेट का यूज नहीं करते हैं। अगर आप भी ये गलती करते हो, नेट रखे हो रहते हो लेकिन आप नेट फेंकते नहीं हो एनिमी के ऊपर, तो ये गलती आप मत किया करो। अगर आप ये गलती को सुधार लोगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा रश करना सीख जाओगे। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, रश करने के से पहले आपको किस चीज का ध्यान देना है। रश करने से पहले आपको अपना गन चेक कर लेना है कि आपके पास कौन सी गन है। अगर आप सिंगल उजी लेकर के रश कर रहे हो तो आप बेवकूफ हो, आपको भाई हमेशा डबल गन लेकर के रश करना है, या फिर AK-47 MP5 या फिर भाई शॉर्ट गन हो गया, जितने भी पावरफुल वेपन्स होते हैं उस गन को लेकर के रश करना है। अदरवाइज अगर आप ऐसे उजी सिंगल लेकर के रश करोगे, सामने वाला एनिमी अगर क्राउच होकर के बैठा हुआ है या कवर में है तो वो आपको इजिली किल कर देगा। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी रश करने जाओ अपना गन देख लो आपके पास कौन सी गन है। सेकंड भाई आपको रश करने से पहले हमेशा नेट फेंकना है। नेट इसलिए फेंकना है क्योंकि यार कभी कभी बंदे एक जगह जब बैठे होते हैं ना कवर में तो वो वहां से हिलते नहीं है। अगर आप नेट फेंक दोगे तो वो बंदा अपना मूवमेंट चेंज कर देगा, फिर उसके बाद उसे नेट का तो डैमेज लगेगा ही लगेगा, प्लस आप जो उसे गोली से मारोगे वो भी उसको डैमेज लगने वाला है, जिससे आप परफेक्ट तरीके से रश करके सामने वाले एनिमी को इजी तरीके से किल कर पाओगे। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रश करने से पहले आप हमेशा कोशिश किया करो जब दो बंदे आपस में फाइट कर रहे हो तो उसमें थर्ड पार्टी किया करो। दो बंदे जब आपस में फाइट करते हो तो उनका भाई माइंड एक दूसरे के ऊपर रहता है, तीसरे पर्सन पे नहीं जाता, तो उसमें आप नेट भी फेंको और तुरंत जाकर के किसी भी एनिमी को शॉट लोगे। हो सकता है आप दोनों एनिमी को एक बार में किल कर दो या हो सकता है आपको एक किल मिल जाए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है रश करने का। पहले आपको भाई अपने गन को चेक कर लेना है, गन अपग्रेड है या फिर नहीं, कौन सी गन है, गन में बुलेट्स है या फिर नहीं, रिलोड तो हो चुकी है। सेकंड आपको तुरंत नेट फेंकना है, और थर्ड आपको हमेशा ट्राई करना है थर्ड पार्टी करने का। ये तीनों ही ट्रिक काफी ज्यादा बेस्ट है, और जो मिस्टेक्स मैंने बताया है उस मिस्टेक को सुधार लो तो आप लोग भाई परफेक्ट रश करके आप खेल सकते हो और ज्यादा से ज्यादा किल निकाल सकते हो। तो भाई यार कैसी लगी ये वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।